वित्त सेवा संघ का ज्वाइंट सेक्रेटरी इस पद पे हूँ, और ये विनीता कुमारी। मैं विनीता कुमारी वित्त सेवा संघ की ज्वाइंट सेक्रेटरी। हम दोनों 63 बैच के हैं और हम दोनों इस नवनिर्वाचित संघ को अपना पूरा सहयोग देंगे, और पहले भी हम इसी तरीके से सभी वरीय पदाधिकारी को सहयोग देते आए हैं, आगे भी हम इस संघ को अपनी पूरा सहयोग और सेवा देने की कोशिश करेंगे। जो भी नए सर लोग बने हैं उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, और जो भी इश्यूज हमारी तरफ से आते हैं और हमारा जो भी सजेशंस होता है हमें आगे प्रोवाइड करेंगे, और हम लोग मिलजुल के जो भी हम लोग का एक प्लेटफॉर्म है और जो भी हम लोग का इच्छाएँ हैं और जो भी हम लोग करना चाहते हैं वो हम लोग मिलजुल के सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। अंचल में पदस्थापित हूँ। आज के इस आम चुनाव में मुझे उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। लोगों ने मुझे इस चीज आशीर्वाद दिया है कि इस संघ में जो भी नई चुनौती या उम्मीदें हैं उसको पूरा करने की नई जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसको बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा और एक अपना ईमानदारानों कोशिश करूंगा। थैंक यू। का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार वित्त सेवा जी आज बिहार वित्त सेवा संघ मैं बताता हूँ आज बिहार वित्त सेवा संघ का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए ये मध्यावधि चुनाव था। मैं नरेश कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स शाहबाद सर्किल। मैं पूर्व में लोगों के आशीर्वाद से, स्नेह से, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में, मैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का मुझे अवसर मिला। मैं सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं बधाई देता हूं अपने बड़े भाई तुल्य अच्छेलाल साहब को और छोटे भाई तुल आविद साहब को। आप लोगों के ऊपर बड़ी जवाबदेही है। ये संघ अपने आप में एक परिवार के रूप में जाना जाता है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और सबों का जो निर्णय है लोकतंत्र के निर्णय को मैं पंच परमेश्वर का निर्णय मानता हूँ। मैं उसको नेचुरल जस्टिस मानता हूँ, नेचुरल नेचर का डिसीजन है। मैं स्वीकार करता हूँ कि लोगों ने मुझसे ज़्यादा विश्वास और प्यार अच्छेलाल साहब को दिया, इनकी बड़ी जवाबदेही है। मैं एक बार फिर अपनी ओर से, चूँकि मुझे लगातार 6 साल में संघ का सेवा किया हूँ, जिस रूप में रहा ईमानदारी से कोशिश किया, मैं सबको आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। दोनों नवनिर्वाचित 32वीं कार्यकारिणी के शेष अवधि के लिए अध्यक्ष महोदय एवं उपाध्यक्ष महोदय दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं एवं अपेक्षा रखता हूं कि ये हमारा जो संघ का चुनाव है वो एक कोई चुनाव कोई पार्टी वाली चुनाव नहीं है, सबके मुद्दे एक होते हैं, और मुझे आशा है कि ये संघ की बेहतरी के लिए दोनों ये कार्य करेंगे, और मैं महासचिव के रूप में इनको शेष अवधि के लिए इनको पूरा भरपूर सहयोग दूँगा। एक भार पड़ गया है, मैं इसके पहले भी इस संघ का महासचिव रह चुका हूं और महासचिव रहते हुए बहुत सारे काम किया हूं। तो चुनाव में कितने सदस्य थे आपके साथ, चुनाव चल रहे प्रतिद्वंदी? नहीं, हम लोग 2 आदमी थे, श्री नरेश कुमार जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष भी थे, और इसके पहले वाले कार्यकारिणी में वो संयुक्त सचिव भी थे, और हम लोग दोनों भाई मिल के लड़े हैं, और ये जीत कोई लड़ाई नहीं थी, ये हम लोग का वोटों से हुआ जीत है। ये तो हम बस अब एक मान के चलिए जीत हुई है। हाँ, वोटों की गिनती तो मात्र एक गिनती है जी। एक खुशी होता है नहीं, एक जीत की एक बात है, वोटों की गिनती तो गिनती है। हम दोनों भाई साथ मिल के काम करेंगे और यहाँ सब मिल के साथ काम करते हैं, और मात्र एक औपचारिकता है ये कि एक आदमी को अध्यक्ष बनाया गया और आम जनता उनको चुनी है। थैंक यू सर। हेडक्वार्टर आज हमारे बिहार वित्त सेवा की पूरे सदस्यों की एक आम चुनाव किया गया, चूँकि मध्यावधि चुनाव था, हमारे अध्यक्ष महोदय की बाध्यक्ष सेवा हो गई थी तो इसलिए अध्यक्ष का पद खाली हो गया था, और कार्यकारी में हमारे नरेश जी कर रहे थे, लेकिन चूँकि हम लोग एक प्रबुद्ध सेवा से संबंध रखते हैं, बीच में हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि भाई कार्यकारी तो है लेकिन एक फुल फ्लेज हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि बिहार वित्त सेवा एक प्रीमियर सेवा है, और
इस सेवा में जब तक फुल फ्लेज कोई हमारे प्रेसिडेंट नहीं होंगे, अपनी बातों को और अपनी समस्याओं को और अपनी जिम्मेवारियों को कैसे एहसास आएगा। तो हम लोगों ने मिलकर, ये कोई चुनाव एक महज एक संयोग है कि चुनाव एक केवल काउंटिंग होती है, मुद्दाएँ सबके लिए एक हैं, जिम्मेवारियाँ दी जाती है, इसमें हार जीत कोई बहुत मायने नहीं रखता है। मेरा छोटा भाई, मैंने जिस दिन नॉमिनेशन किया था मैंने कहा था मेरी हार मेरे छोटे भाई की जीत होगी और मेरे छोटे भाई की जीत मेरी जीत होगी। तो मैंने फर्स्ट डे ही कह दिया था कि भाई मेरे युवा हैं, अभी इनकी सेवा है, मैं तो रिटायरमेंट की तरफ हूँ। मैं भी संयुक्त सचिव के रूप में लगभग 15 साल पहले मैंने संघ को अपना सेवा दिया था। अब चूंकि हमारे छोटे भाई इस पद पे हैं, अभी युवा हैं और ये बहुत ही संघर्षशील हैं, मैं इनके साथ रहा हूँ। मैं अपने बिहार वित्त सेवा की ओर से नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष माननीय अच्छे लाल सर को और हमारे छोटे भाई आबिद जी को शुभकामना देता हूँ। हम लोग की बिहार वित्त सेवा की जो समस्याएँ हैं उनको पुरजोर ढंग से ये अपने रखें और जो जितनी भी मतलब जल्दी अपनी बातों को अपने विभाग के और अपने माननीय जो हमारे मंत्री महोदय हैं समस्याओं को रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें ये सफल होंगे। मैं इनकी सफल और सुखद आने वाले भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू सर।